हम आए हैं एक और खतरनाक जानवर की बस्ती में। भाई तेरा अगला फेर ये है कि तेरे को शाम को किस करनी है, ये ले। अबे इसको साथ किस कर, आजा। अबे कुछ भी नहीं होगा, आजा। कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल। ये ले ले ले, छोटा सा प्यारा सा कुछ भी नहीं कहेगा। आजा तेरा साथ, आजा आजा। अबे कुछ बाहर यहाँ पे आ, ये तेरे, ये ले ले, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। तेरा फेर है, तेरे को तो किस करनी पड़ेगी, लाजमी है। इसकी हालत तो देख, इसकी शक्ल तो देख, कितनी भयानक है। अबे ये छोटा पैक बड़ा धमाका है, इसको पीछे कर, इसको किस करनी है। हाँ। मुंह हटा इसका, मुंह पे नहीं कर रहा मैं, जा पागल हो गया क्या? तो कैसे कैसे फेर करवा रहा है यार, है तू। और तेरा नेक्स्ट फेर भी आ चुका है, वो देख रहा है पीछे फ्लेमिंगो, उसको पकड़ के दिखा। पकड़ना है? हाँ, बहुत तेज भागता है वो। अभी पकड़ता हूँ, इधर आ जा। कबड्डी 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 कबड्डी, इधर आ जा। लंबी चोंच वाले, और एक तो इतनी पतली पतली टांगे, कौन से गंदे काम कर रहा है। अभी उसके पाँव कैसे चिमगादड़ की तरह अटैक कर रहा है क्या? छू हाँ, यार ये तो पकड़ में नहीं आ रहा यार, ये हाथ नहीं लगता, हमसे ना हो पाएगा भाई, इसको कैंसिल कर। ये तो तेरे से पकड़ा नहीं गया, बोलो लड़ाई हो रही है, उनको पकड़ो। मुर्गियों की लड़ाई हो रही है, WWE चैंपियनशिप हो रही है सर। तो अरे हाँ, मेरे को तो एक और मिल गया फियर तेरा, छुड़वा इनको। अब बड़ी खतरनाक लड़ाई हो रही है भाई, घुस जा अंदर। देखो लड़ाई लड़ाई माफ करो, लगा कर साफ करो। सालो मैं भी आ जाऊंगा इस लड़ाई में, मेरे को क्यों मार रहे हो यार? मैंने क्या किया? इधर आ, बड़े फड्डे कर रहा है तू, है ये ले भाई, लड़ाई मैंने छुड़वाई है, इससे मुझे सवाब भी मिलेगा। भाई तेरा अगला फेर ये है, तेरे को इस मोर का एक पर निकाल ले। अब क्या कर रहा है, हवा दे रहा है ये तो। अब निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल गया। ये कैसा पर है, तुमने पूरा पर खराब कर दिया, थोड़ा सही वाला पर निकालता बेटा। यही है, हो गया फेयर, हो गया, नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे चलो। ये है मेरे हाथ में तरबूज, ये मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ पर। अब इसको क्यों दे रिया, इससे लेके दिखा। ये दे दे, सीधी शराफत से समझा रहा हूँ, दे दे। देता कि नहीं, देख मेरे से शान पट्टी मत कर। अरे भैया, अरे भैया, अब बहुत हो गया, दे दे, मैं तुझे बता रहा हूँ। जॉर्डन, जॉर्डन की जूते की कसम, अब तो मैं ये लेके दिखाऊंगा। जॉर्डन पे मजाक नहीं करना था, कहाँ है तू? अरे बाबा, गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। चलो भाई, मेरे को चाहिए यार, थोड़ा सा दे दे, दे यार। अबे खुल गया, अबे खुल गया। तरबूज के चक्कर में जान के लाले पड़ गए, कुत्ते की तरह गिरा। फिर भाई क्या हुआ, तरबूज को क्या हुआ? तरबूज तो दे दिया मैंने तेरे को, जा पूरा तो खा गया वो, कुछ बचा ही नहीं तरबूज का। हां तो तेरे को क्या खाना था क्या, बंदर के मुंह का? रस्सी खोल के मेरे पीछे पूरी टांग पे लटक गया, और यहाँ मैं कीचड़ में गिर गया कुत्ते की तरह। इससे मैं एक ना एक दिन बदला जरूर लूंगा, यहाँ मैं नहीं करूंगा अब और फेर। चल भाई यहाँ, चल भाई, चल दिया। ये है तीन खतरनाक क्रोकोडाइल, और अगला फेर भी यही है, तेरे को पूरे 2 मिनट तक अंदर रहने। अबे नहीं आएंगे, चल, अबे चल, 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 नहीं हुआ, अबे जा, अबे पूरे 2 मिनट रहने, पूरे 2 मिनट रहने। अबे 2 मिनट यार नहीं यार, 1 मिनट रह ले। अबे आ रहा है वो, अबे भाई भागता हुआ आएगा अगर ये आया ना, अबे निकल के भाग के आ रहा है वो, हिल रहा है, जल्दी खोल। अबे 10 सेकंड और अभी पूरे। अबे 10 सेकंड में मेरा काम तमाम हो जाएगा, तो खोल ना अब 10 सेकंड। चल आ जा फाइनली। अबे इधर तो बहुत सारे बंदर हैं, उसको देखो कैसे बैठा है। अरे भाई देख रहा, मैं नहीं भाई, माफ कर दो। अबे फेयर कंप्लीट करना है। अबे नहीं भाई, ये बहुत खतरनाक बंदर है, भागो। अबे कौन आ गया? अबे भाई बंदर लटक गया। चल मैं तेरे को सैर करा के लेके आऊं। अरे मार रहा है यार, चमाटे करा रहा है, चमाटे नहीं। पीछे है दुनिया के 10 खतरनाक कुत्ते, और अभी इनको खोल दिया जाएगा, और वैम्पायर को इनके बीच में सरवाइव करना है। अबे कितने खतरनाक कुत्ते, देखो कितने खतरनाक हैं, शक्ल से ही खतरनाक लग रहा है। अबे वो लोग जर्मन शेफर्ड और पिटबुल खोल ले, मैं निकल रहा हूँ भाई। जा भाई, अबे भाई। जाके तूने हाथ लगाने हैं, पागल वागल हो रहा है, ये सब मैं नहीं कर रहा हूं भाई। अबे भाई फेयर है ना, कंप्लीट तो करना एक बार, ट्राई तो कर। करूंगा यार। अबे वो देख देख सिर्फ बैठा हुआ है, हार्ट अटैक से ही मर जाऊंगा मैं अगर आ गया वो इधर करीब भी मेरे। अबे कुछ भी नहीं करता वो। अबे अंदर जाऊं क्या? हां जा जा, आ जा। यूं नहीं आएगा वो, मेरे लगे तेरे को जाना पड़ेगा अंदर। गोश्त खाना है तो आ जा, गोश्त गोश्त तो है नहीं, हड्डी है। ओ ये आ गया, हाथ लगा, हाथ लगा।
मिस हो गया। अब मुंह खोल ले यार सीधा वो। हाथ लगा लिया, देखिए देखिए देख, पूरा हाथ लगा लिया, देखिए देख। अबे जान है अपनी ये, और तू हाथ लगा। फाइनली ये फेयर भी कंप्लीट। वैम्पायर तो आधे फेयर करके दुबई भाग गया, लेकिन इसके अभी मैं जान नहीं छोड़ूंगा, अभी इससे और फेयर करवाऊंगा। तेरा अगला फेयर ये है कि तेरे को स्विमिंग पूल में जाना है। हाँ ये तो आसान है, ये तो अभी कर लूंगा। अब बोल कर लिया। यूं थोड़ी ना, अपना मोबाइल भी लेके जा। अबे तू पागल है क्या? अंडर वाटर वो भी। 3.5-3 लाख का मोबाइल है, इससे रोजी रोटी चल रही है मेरी, वीडियो बनाता हूँ। अंदर का पानी चेक करो कितना साफ है यार, और फोन भी बच गया मेरा। अगला डेयर बता। और इसके बाद तेरा अगला फेयर ये है, तेरे को दुबई में कचरा फेंकना होगा। यार इधर तो मुझे कोई कचरा भी नहीं दिख रहा, ना मेरे पास कोई कचरा है। ये सामने डस्टबिन है, डस्टबिन से निकाल के तो बाहर फेंक नहीं सकता, और अपने आप को भी नहीं फेंक सकता। जैसे पत्थर पड़ा हुआ है, ये उठा के मैंने यहाँ भी रख दिया ना, 500 से 1000 दिरहम का फाइन तो हो ही जाएगा। पत्थर लिया हमने, यहाँ रख दिया, और अगर पुलिस ने देख लिया, कैमरे लगे हुए हैं भाई। गया गया मैं, गया, अब निकलता हूँ ऊपर सीधा होटल। जल्दी आ जाओ लिफ्ट, जल्दी। लिफ्ट में तो मैं आ चुका हूँ, कोई ना आ रहा है, कोई आ रहा है। बंद हो जाओ सिम सिम। अगले 24 घंटे आपका भाई इस लिफ्ट में रहने वाला है। अभी कोई आएगा मेरी बोलती बंद हो जाएगी। वैसे काफी बड़ी जगह है, यहाँ पे सो वो सकता हूँ मैं, तकिया पकिया ले आऊँ। लेकिन थोड़ा सा लग्जरी होटल है ना, ये तकिया पकिया लाके यहाँ पे रख के सो नहीं सकता। मेरा ही फ्लोर है ना ये। दुबई की तपती हुई गर्मी में खोलते हुए गर्म पानी में तेरे को बाथ टब में नहाना है। ये रहा बाथ टब, खोला गरम पानी, खोलता हुआ गरम पानी आ रहा है भाई, लेकिन मैंने पहले से ही भर लिया है। ओ भाई बहुत गरम है, जब ठंडा होता ना नहा लेता, लेकिन गरम से नहीं होता। भाई बहुत गरम है, ऐसी ऐसी जगह जलन हो रही है। और सबसे खतरनाक ये वाला है, तेरे को बिना टिकट के एयरपोर्ट पे ट्रैवल करना है। इसे पता नहीं कौन कौन से फेयर्स करवा रहा हूँ, ये तो पक्का जेल जाएगा, सारे इलीगल काम करवा रहा हूँ, और अब से स्टूडियो पे मेरा कब्जा होगा। बैठ के फेयर पे फेयर करवा रहा था, खतरनाक से खतरनाक। अब तो आपका भाई का मत्था शार्ट हो गया। मैं प्लेन में तो गया, लेकिन वापसी कराची की फ्लाइट पकड़ी, लेकिन भाई पाकिस्तानी एयरलाइन में बैठे थे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने लिख दिया सीधा। जहाज चल पड़ा, हमने भाई कलमा पढ़ लिया पहले पहले ही, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम एमिरेट्स में गए थे और वापसी हम फिर एयर ब्लू में आए। चलो खैर है, चलते हैं। और यहाँ से ऊपर क्या ही नज़ारा दिख रहा था यार, बुर्ज खलीफा पे भी समझ लो यही व्यू आता तुम्हें, इससे भी कम व्यू आता समझ लो। तो वहाँ 50,000 देने से अच्छा हमने बोला प्लेन से व्यू देखेंगे, तो भाई ये हमने देखा, मज़े का व्यू था। लेकिन गुस्सा आपके भाई को बहुत आ रहा था अभी भी उसके ऊपर। फिर आपके भाई ने ये बोला टीवी वीवी देखते हैं थोड़ा, तो आपके भाई ने ये खोला तो निकल के आया भाई, ये तो खाने पीने के लिए है, टीवी वीवी कुछ भी नहीं है इधर, ना चार्जर वार्जर है। खाना ही मिल गया भाई, चलो खाना मिला तो, लेकिन जहाज ऐसे गड़गड़ 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 कांप रहा था कि मेरा हाथ देखो तुम लोग कितने कांप रहे हैं। मैंने गिलास पकड़ा हुआ, ऐसी चाय वाय पी रहा था, गिर गई मेरे ऊपर। मैंने बोला वीडियो तो नहीं बन पाई, लेकिन दिखा दूँ। खैर यहाँ से फिर हम लोग निकल गए, कराची के लिए रवाना हो गए, और डर भी लग रहा था क्योंकि इधर उधर से जहाज बिल्कुल कांप रहा था। और ये देख सकते तुम लोग ऊपर से कराची शहर दिखा, तो दिल को मुतमईन हुआ। और फिर फाइनली पहुँचे और सामान वगैरह लोड किया डाले में, और आपके भाई को गुस्सा बहुत सवार था, ये सारा सामान वगैरह फेंका अंदर, ये बंद हुआ और निकल पड़ा मैं उसको पकड़ने। वापसी कराची आ गए तो भाई ट्रैफिक तो मिलेगा लाजमी, बस जल्दी जल्दी चलाओ। ड्राइवर को बोला भाई, क्योंकि आज भी मेरे ख्यालों की तबीयत जिंदा है, गुस्सा आपके भाई के सर पे सवार था। मैंने बोला इसको फौरन से पकड़ूंगा, इसने मेरे स्टूडियो पे भी कब्जा किया हुआ है।